नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के विषय में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, और इसका वैज्ञानिक नाम है एंटिगोनी एंटिगोनी। पूरे विश्व में हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो है 15 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं पूरे विश्व में, और ये ज़्यादातर दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। कहीं के खुले खेतों में भी पाए जाएंगे, लेकिन वहीं है जो राइस फील्ड्स होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक सामाजिक टाइप का पक्षी होता है, मनुष्यों के साथ घुल मिल करके भी रह सकता है, और अक्सर 2, 3, 4, 5, 6 की संख्या में दिखाई पड़ेगा। ये अकेले बहुत कम या नहीं के बराबर दिखाई पड़ेगा। अब हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? तो हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जून 2024 में सारस की गणना की गई, 20 से 21 जून 2024 के बीच में सारस की गणना की गई, और ये सेंसस रिपोर्ट आई जो कि द हिंदू में 10 जुलाई के अंक में छपा हुआ है। 10th ऑफ जुलाई 2024 में छापा गया है द हिंदू में, वहीं की रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर देखा यह गया है, सेंसस रिपोर्ट क्या बताती है? सेंसस रिपोर्ट ये बताती है कि यूपी में 2021 में अगर हम देखें तो 17,329 सारस थे। 2022 में ये संख्या बढ़कर के 19,188 हुई। 2023 में ये संख्या फिर बढ़ी और 19,522 हुई। 2024 में ये संख्या बढ़कर के 19,918 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये मान चलिए कि ये संख्या 396 की वृद्धि उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जब इसका जिलेवार विवरण देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इटावा फॉरेस्ट डिवीज़न में, और सबसे कम संख्या मऊ फॉरेस्ट डिवीज़न में है, जहाँ पर केवल 6 सारस दिखाई पड़े या संख्या उनकी नोट की गई। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर एक जमाना था जबकि ये जो सारस है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता था, मध्य प्रदेश में पाया जाता था, आसाम में पाया जाता था, बिहार में पाया जाता था, गुजरात में पाया जाता था, उड़ीसा पंजाब वगैरह में पाया जाता था, हरियाणा के रीजन में। लेकिन आजकल ये संख्या और जगहों पर बहुत घट गई है और अब बहुत कम जगहों पर वो रह गए हैं, पाए जाते हैं, जैसे उत्तर और मध्य भारत में कुछ जगहों पर, और तराई नेपाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एशिया में पाए जाने वाला बहुत प्रमुख पक्षी है और सबसे लंबी उड़ानें ले सकता है, सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है, ध्यान रखना, और काफ़ी हैवी भी होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता है। आपने देखा होगा तो जानते होंगे आप जिन्होंने देखा होगा। अच्छा, ये माना जाता है कि पूरे इंडिया में इनकी संख्या 20,000 के आसपास बताई जाती है, इसमें से 19,918 अकेले यूपी में, समझ रहे हैं। लेकिन एक ज़माने में इनकी संख्या और हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। चूँकि हमने इनके हैबिटेट को ख़त्म कर दिया, वो चाहे जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ हो हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन, या ह्यूमन मतलब इंटरफेरेंस की वजह से, चूँकि हमने बहुत सारे जो मार्सी लैंड्स थे या ओपन लैंड्स थे उनको किस में बदल दिया, हमने मार्सी लैंड्स वगैरह को हमने खेती की ज़मीनों में बदल दिया, या डेवलपमेंट की वजह से जो है नहरें निकाली गई, रेलवे लाइन निकाले गए, रोड निकाले गए, तो इस तरह से पॉपुलेशन क्या कहते हैं हैबिटेट इनके नष्ट हुए। हैबिटेट माने रहने की जगह, और जब इनकी हैबिटेट या रहने की जगह जब नष्ट हो गई तो फिर जो है एक बेचारे अंडे कहाँ देंगे, बच्चे कहाँ देंगे, सवाल ये पैदा हुआ। तो इस तरह से इनकी संख्या लगातार गिरती हुई चली जा रही। अच्छा, एक बात और है कि सारस को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 4 में शामिल किया गया है, और अगर हम IUCN की रेड डाटा बुक देखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN की रेड डाटा बुक को अगर हम देखें तो इसको वल्नरेबल स्पीसीज में शामिल किया गया है, वल्नरेबल स्पीसीज में शामिल किया गया, अर्थात ये सुभेद्य है, अर्थात नष्ट हो सकता है अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो। लेकिन फिलहाल अभी है, हमारे आसपास मौजूद है, तो इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि ऐसे पक्षियों को हम देख पा रहे हैं नहीं, बहुत सारे ऐसी स्पीसीज थी जो नष्ट हो गई, उनको अब हम लोग नहीं देख पाए या नहीं देख पाएंगे। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ मेरे साथी, उम्मीद है कि हम लोग कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि जिससे सारस ही नहीं अन्य अन्य पक्षी भी बचे रहेंगे। सबसे बड़ी बात किसी भी जीव को बचाने के लिए उसके हैबिटेट को बचाना। हैबिटेट माने जहाँ वो रहता है, जहाँ वो घोंसले बनाता है, जहाँ वो खाना खाता है, उनको बचाए रखना। अगर हमने ये कर दिया तो जो है अपने आप बाकी चीज़ों में वृद्धि शुरू हो जाती है, और अगर ऐसा होता है तो सारे जीव बचेंगे। ठीक है, जैव विविधता हमारी कायम रहेगी, और जैव विविधता अगर कायम रहेगी तो फिर हमारे लिए एनवायरनमेंट को खतरा कम होगा या नहीं के बराबर होगा। चलिए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।